एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट सारे नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस कोर्स कौन 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 से हैं। आज के वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएएस कोर्स हैं जो आपको पता ही होने, इंपॉर्टेंट आईएएस कोर्स जो हर एक सिविल इंजीनियर को आने ही आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे मतलब गाइस कहीं ना कहीं हमारा एकेडमी बहुत कमजोर है। चाहे आप बी में करियर बना रहे हैं, चाहे आप स्ट्रक्चर्स में करियर बना रहे हैं, बिलिंग में बना रहे हैं, आईएएस कोर्स तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग चलता ही है आईएएस कोर्स से। ठीक है, तो कौन कौन सा आईएएस कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं एक-एक करके। मैं आपको लिख के भी बताता हूं जिससे आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस कैसे हो दोस्तों, मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं यूनिक्स। गाइस आप में से बहुत से लोग स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू में जाके वहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार तो उनसे पूछ लिया जाता है कुछ कॉमन क्वेश्चन जैसे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आईएएस कोर्स है, और आईएएस कोर्स के नाम ही नहीं पता। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, गुरुकुल में लेता हूँ, जो नए बच्चे रहते हैं उनसे जब पूछता हूँ कि बताइए कि विंड लोड के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे, उन्हें पता ही नहीं कि विंड लोड के लिए कौन सा लोड यूज करेंगे और कौन सा आईएएस कोड यूज करेंगे। मीन्स एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट सारे नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस कोर्स कौन 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 से। आज के वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएएस कोर्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, और उनमें फिलहाल तो क्लॉज भी बता सकते हैं बट क्लॉज बताने में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर आप चाहें कि सर आईएएस 456 को थोड़ा सा ब्रीफ करिए तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसको विवरण करने का। आईएएस 800 भी चाहिए अगर आपको तो उसको भी मैं कर दूंगा। मींस अगर आपको किसी भी आईएएस कोर्स को ब्रीफ करने के लिए बोलना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं करूंगा। बट आज का जो हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएएस कोर्स हैं जो कि इंटरव्यू में जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएएस कोर्स जो हर एक सिविल इंजीनियर को आने ही आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे मतलब गाइस कहीं ना कहीं हमारा एकेडमी बहुत कमजोर है। चाहे आप बी में करियर बना रहे हैं, चाहे आप स्ट्रक्चर्स में करियर बना रहे हैं, बिलिंग में बना रहे हैं, आईएएस कोर्स तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग चलता ही है आईएएस कोर्स से। ठीक है, तो कौन कौन सा आईएएस कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं एक-एक करके। मैं आपको लिख के भी बताता हूं जिससे आपको याद हो जाए। तो गाइस सबसे पहला आईएएस कोर्स है तो सबको पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो फिर गड़बड़ है भाई, आईएएस 456। ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में तो सबको पता होना चाहिए किसके लिए गाइस, ये है आरसीसी के लिए। ठीक है, ये तो याद ही होगा। ठीक है, आईएएस 800 एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा इसके बाद, आईएएस 800। ठीक है, 2007 ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किसके लिए गाइस, स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए, किसके लिए है, स्टील के लिए। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए। उसके बाद जो दूसरे आईएएस कोड होते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस, जैसे कि आईएएस 1893, अभी 2016 आ गया है, 2016 जो कि किसके लिए गाइस, सेस्मिक के लिए, यानी अर्थक्वेक के लिए, सेस्मिक एनालिसिस के लिए। अब इसके अंदर अब मैं अगर जाऊं तो बहुत से टॉपिक बनते हैं गाइस, कि सेस्मिक के अंदर भी अगर बोलूं तो सेस्मिक जोन कितना है, अभी आईएएस 1893/2016 में एक जोन ऐड हुआ है, वो जोन को क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेस है, कई ढेर सारी चीजें। अगर आप चाहते हो कि सर एक आईएएस कोड के ऊपर डिस्कस करें तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो किसी आईएएस कोड के बारे में कोई जानना तो चाह रहा है। ठीक है, बहुत से लोगों को आईएएस कोड के पता ही नहीं यार, गाइस नाम नहीं पता है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो सबको पता होगा, नहीं पता है। मैं रेगुलर मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, रेगुलर अपने कंपनी के लिए इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट गाइस जो इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होना चाहिए, आईएएस 875। अब इसके पार्ट्स होते हैं, फाइव पार्ट्स हैं जो कि आपको पता ही होना चाहिए। पार्ट वन किसके लिए गाइस, डेड लोड के लिए, किसके लिए, डेड लोड के लिए। अब डेड लोड सबको पता है, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेड लोड, जो बिल्डिंग का अपना खुद का वेट होता है, जैसे उसका स्लैब का, उसके कॉलम का, बीम का, ये सब क्या है, उसका सेल वेट है। तो सेल वेट को हम लोग किस कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, आईएएस 875 पार्ट वन। अब आप डाउनलोड करके देखना चाहे तो गूगल पे मिल जाएगा सर, आईएएस 875 पार्ट टू, किसके लिए गाइस, लाइव लोड के लिए। क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, सारे नहीं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट। अब मैं फटाफट यहाँ पे बता दूं, पार्ट थ्री किसके लिए, विंड लोड के लिए। विंड लोड में अब इसमें कई चीजें हैं गाइस, जैसे कि मैं इसमें विंड लोड को कैलकुलेट करने के लिए जो बी इंटू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री है और प्लस के फोर अभी ऐड हुआ है, तो के फोर क्या है, साइक्लोन के लिए है। तो आईएएस 875 पार्ट थ्री
भूलिएगा मत, 875 पार्ट थ्री जो है वो विंड लोड के लिए है, पार्ट फोर किसके लिए गाइज, तो पार्ट फोर है स्नो लोड के लिए, किसके लिए गाइज, स्नो लोड के लिए, ठीक है। पार्ट फाइव किसके लिए गाइज, पार्ट फाइव है लोड कॉम्बिनेशन के लिए, किसके लिए गाइज, लोड कॉम्बिनेशन के लिए गाइज, ठीक है। और उसके बाद गाइज एक और कोड बहुत इंपॉर्टेंट डक्टाइल ट्रेनिंग के लिए, IS 13920, ठीक है, ये किसके लिए गाइस, ये है डक्टाइल रिटेलिंग के लिए, किसके लिए है, डक्टाइल रिटेलिंग के लिए। हैंडराइटिंग पे मत जाना, मैं जल्दी जल्दी आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। IS 13920 किसके लिए गाइस, डक्टाइल रिटेलिंग के लिए। डक्टाइल रिटेलिंग जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स है वो पूछेंगे ही पूछेंगे उनकी कंपनी है कि डक्टाइल रिटेलिंग के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करती है, डक्टाइल रिटेलिंग होता क्या है, ये पूछना ही पूछना है। एक और कोड है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग के लिए, ठीक है, SP 34। SP 34 किस लिए होता है गाइस, एनफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए, एनफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए SP 34। एक और कोड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, SP 16। अब मैं चाहता हूं कमेंट करके आप बताएं कि SP 16 कोड का यूज क्या होता है, SP 16 कोड का यूज क्या होता है, कमेंट करके आप बताना। SP 34 मैंने आपको बता दिया, IS 845 से बता दिया, 800, 1893, 875 के पांचों पार्ट हो गए। मैक्सिमम जो जनरल बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वहां के सारे IAS कोड्स आपके सामने हैं, बट मैं चाहता हूँ आप बताएं SP 16 का कोड। अब बोलोगे सर इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी IAS 456 है गाइस, तो IAS 456 में आपको पता होना चाहिए कि क्या हम मटेरियल का प्रोपोर्शन रखते हैं, ठीक है, डक्टाइलिटी इसके लिए, और इसके साथ साथ इसमें जो मिक्स प्रोपोर्शन के हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कवर किस चीज के लिए कितना स्टैंडर्डाइज है उसके बारे में, आइए उसके बाद स्लैब के डिजाइन करेंगे तो उसके लिए क्या स्लैब की थिकनेस के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे कि स्लैब की थिकनेस के लिए क्या है गाइस, अगर कई लोग जो मैनुअल डिजाइन जानते हैं उनको पता होगा कि शॉर्टर स्पेन बाय बेसिक बिलिंग टू मॉडिफिकेशन फैक्टर ये कौन से क्लॉज में दिया है, तो ये सारी चीजें IS 456 में है। अगर आप चाहें तो मैं इसको डिकोड कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कोड है गाइस IS 800 में डैम्पिंग रेशियो किस चीज का कितना होता है, ठीक है, सिलेंडर रेशियो किस में इंटरनल का कितना होता है, इनके क्लॉजेस आपको जाने, बकलिंग लोड क्या होता है इनके क्लॉजेस जाने चाहिए। ISMB है तो कौन कौन से स्टील सेक्शन है, ISMB है, उसके बाद आपका चैनल सेक्शन है, रोल्ड है, ठीक है, ट्यूब सेक्शन है, कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको IS 800 आप चाहे तो उसको डिकोड करने के लिए बोले, मुझे भी अच्छा लगेगा गैस क्योंकि इसमें कई चीजें नई भी रहने देती है, तो अगर आप चाहे तो मैं इनको डिकोड कर सकता हूँ। नेक्स्ट कोड है जैसे कि गैस सिस्मिक एनालिसिस, सिस्मिक एनालिसिस के लिए कौन कौन सा साइक्लोन मतलब कि कौन कौन सा सिस्मिक जोन है इंडिया में, जैसे कि सिस्मिक जोन 4 है, ठीक है, जिसमें जोन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि सिस्मिक जोन 2 है इसका है 0.1, उसके बाद सिस्मिक जोन 2 है 3 है उसके लिए 0.16, सिस्मिक जोन 4 है सिस्मिक जोन के लिए 0.24, सिस्मिक जोन 5 के लिए 0.36, तो ऐसे सेस्मिक जोन कौन से, बेसियर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसियर का फॉर्मूला है AH into W, AH कैसे कैलकुलेट करेंगे, W तो सेस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, AH कैसे कैलकुलेट करेंगे, ZI/2R into SA/G, Z क्या है, जोन है, I क्या है, इंपॉर्टेंस फैक्टर है, तो I क्या होता है, आप बोलोगे तो मैं डिकोड करूंगा IS 81893 को, नहीं बोलोगे तो फिर नहीं करूंगा, ठीक है। तो आई क्या है, उसके बाद फिर SA/G क्या है, ठीक है, सबको आप डिकोड करके एक एक करके चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो मैं आसान भाषा में आपको बता दूं, अदरवाइज मैं जो स्ट्रक्चर गुरुकुल की बैच होती है उसमें तो मैं डिकोड करता ही करता हूँ। 4 मंथ के स्ट्रक्चर गुरुकुल की बैच स्टार्ट हो गई है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गाइस कंप्लीट स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए क्या क्या कौन कौन से कोड कौन कौन से सॉफ्टवेयर कौन कौन से कॉन्सेप्ट जरूरत होती है सब कुछ ब्रीफ किया जाता है, तो आप चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पे इस नंबर पे देख के सिलेबस भी मंगवा सकते हैं आपके स्ट्रक्चर गुरुकुल का, तो आपको और ब्रीफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे डेड लोड है तो डेड लोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेड लोड को कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला होता है गाइस किसी मटेरियल की डेंसिटी इनटू थिकनेस कर दीजिए वॉल क्लोड आ जाएगा, डेंसिटी इनटू थिकनेस कर दीजिए कॉलम क्लोड आ जाएगा, हर एक चीज डेंसिटी इनटू थिकनेस से होता है। फिलहाल अगर आप बोलोगे इसके भी डिकोड किया जाएगा। लाइव लोड के लिए गाइस सबको पता है कि जैसे कि नॉर्मल आपका जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसका लाइव लोड कितना होता है 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो आपका कमर्शियल बिल्डिंग होता है उसका होता है 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जैसे कि स्टोर रूम के लिए अलग है, स्टेयर केस के लिए 3 किलोमीटर प्लस 5, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के स्टेयर केस के लिए 3 किलोमीटर, कमर्शियल के लिए 5 किलोमीटर, तो इसको भी आपको डिकोड करने के चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उसके अंदर, अदरवाइज आप डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं स्टोर रूम के लिए, लिफ्ट एरियाज के लिए, और क्या बोलते हैं सेट के लिए, इन सब चीज के लिए IAS कोड में पूरा डेप्थ में दिया है 875 पार्ट टू में। विंड लोड के लिए भी गया, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैलकुलेट करना है कि टोपोग्राफी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, टेरिंग कैटेगरी क्या होता है, अगर इसको डिकोड किया जाए तो उसमें मजा आएगा, और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग कहें तो मैं उस पर एक एक करके प्लान करूँ डिकोड करने के लिए। ऐसे स्नो लोड के लिए भी किस एंगल पर कितना आपका आइस आ जाता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए स्नो लोड भी आप ले सकते हैं। लोड कॉम्बिनेशन कहाँ पर किस सिचुएशन में कौन कौन से बनाना चाहिए, डक्टाइल डिटेलिंग किस बिल्डिंग का करते हैं और डक्टाइल डिटेलिंग करने से बेनिफिट क्या होता है,
कैसे डक्टाइल करने से स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ उसकी गेन हो जाती है, किस तरीके से एक्स्ट्रा स्टील क्यों लगता है, इसकी भी बड़ी अच्छी सी, आप बहुत छोटा सा ही कोट है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो या फिर आप पूछ भी चाहो तो। SP-34 तो यार गाइस मैं समझता हूँ कि हर एक सिविल इंजीनियर को पूछना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे डालेंगे, बीम में रेनफोर्समेंट कैसे डालेंगे, कॉलम में रेनफोर्समेंट कैसे डालेंगे, ओपनिंग होगी तो ओपनिंग में कैसे डालेंगे, लाइन कितने कितने टाइप्स के ड्रॉ करेंगे, कैसे उसको हम प्रॉपर एक सीट में प्रेजेंट करेंगे। SP-34 तो मुझे लगता है हर एक सिविल इंजीनियर को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स डिटेलिंग्स बहुत बेहतरीन हो जाएगी, कैसे डेवलपमेंट लेन प्रोवाइड करेंगे, कैसे लैपिंग प्रोवाइड करेंगे, कैसे जॉगल प्रोवाइड करेंगे, कितना प्रोवाइड करेंगे, डिटेल में आपको SP-34 में मिल जाएगा। SP-16 मैंने आपको टास्क दिया इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, तो आप कमेंट करके बताइए, अगर किसी भी IAS कोड को आप डिकोड करने के लिए बोलेंगे मैं उसको डिकोड कर दूंगा, ठीक है। अभी तक डिकोड आप लोग सीरीज का देखते रहे होंगे, अलग अलग पिक्चर उच्चर मूवी वूवी का, आप चाहे तो मैं IAS कोड को डिकोड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कई चीजों को लिस्ट है, तो आपको बोलेंगे तो मैं उसको धीरे धीरे करके डिकोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं डिकोडिंग सीरीज में चालू करूँ, तो नीचे प्लीज कमेंट करना, आपके कमेंट से बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है गाइस, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आगे के वीडियो सेट होते हैं कि हाँ आपको ये चाहिए तो वही दिया जाता है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।